सामने ही इंडियन फ्लैग बना हुआ और मैक्सिमम यहाँ की पुराने पुराने, ये तो खत्म हो चुका है, यहाँ कोई रहता नहीं है अभी तक हमें कुछ। बाकी कोई देखने लायक है यहाँ? बस ठीक ठीक फ्रॉम काजा, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? हो आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। सो आज हमारा सेकंड डे है यहाँ पर काजा में। हम लोग जहाँ पर रुके हैं वो क्लिफ पैलेस होटल है, बिकॉज हमने हॉस्टल्स वगैरह काफ़ी ढूंढे थे बट हमें बहुत कॉस्टली मिलने लग गए। सो हमें ये वाला जो जिस होटल में हम रह रहे हैं ये हमें बजट में पड़ रहा था, बिकॉज हमें काफ़ी दिन यहाँ पर रुकना था। सो यहाँ पर हमें पड़ रहा है 500 पर डे। और कल का दिन हमने बहुत रेस्ट ही किया है सिर्फ, बिकॉज हम लोग बहुत थक चुके थे। वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो रास्ता गूगल मैप 185 और 188 किलोमीटर्स दिखा रहा था वो कम से कम 5 घंटे का दिखा रहा था गूगल मैप। बट जो रियलिटी है भाई, वो रियलिटी ये है कि ये रास्ता लगभग 9 से 10 घंटे का है, और हमें भी 10 घंटा लगा यहाँ तक आते आते, बिकॉज रास्ते में रुकना पड़ता है, वाटर क्रॉसिंग्स आती है, बहुत पंगा है। आप लोगों ने वीडियोज़ में सब देख लिया होगा कि वाटर क्रॉसिंग में क्या क्या हुआ है। सो आज से हम अपना यहाँ से स्पीति को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग जा रहे हैं पिन वैली। सो अभी हम उठे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है भाई, रात के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है यहाँ पर। सो और यहाँ पर ना नेटवर्क्स का बहुत इशू है, बहुत ज़्यादा नेट नहीं चलता। हमने वीडियो वगैरह अपलोडिंग पर डाली थी बट बहुत प्रॉब्लम रहता है नेट का यहाँ पर। BSNL भी कहते थे चलता है बट नहीं चलता है यहाँ पर BSNL भी उतना खास, जियो चलता है एंड एयरटेल भी समटाइम्स अच्छा चल जाता है। और अभी हम बस निकलेंगे यहाँ से, अपना आज से स्पीति एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का। अभी ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था। मैं भी सोचता था कि काजा में है क्या, देखते हैं हम लोग जाकर। सो आज आए हैं, देखते हैं काजा में क्या क्या घूमने के लिए, क्या क्या है काजा में। अभी निकलते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने और मिलते हैं आप लोगों से बाइक पर। हम दोनों बाइकें लेकर जाएंगे साथ आज, और देख लो पीछे वाली साइड क्या भयानक पहाड़ है यार यहाँ। और एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पर थोड़ा सा चलोगे ना, यहाँ पर ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि थोड़ा सा आपने सीढ़ी वगैरह चढ़ ली ना, सांस चढ़ने स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज़ यहाँ पर पेड़ वगैरह बहुत कम है। मैं अभी भी कर रहा हूँ बात, सांस चढ़ रही, बिकॉज मैं स्टेयर्स वगैरह से ऊपर आया तो सांस चढ़ने लगी यहाँ पर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि ऑक्सीजन का बहुत कमी है यहाँ पर। तो चलते हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं यार, इनका एक अलग ही फील है भाई। रात को तो मेरे को तो अभी तक, मैं सच बोलूँ तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया यहाँ के रास्तों का, क्योंकि जब हम आए थे हम नाइट में आए थे तो उसकी वजह से हमें कुछ समझ नहीं आए थे रास्ते, और अभी तक नहीं समझ आए। यहाँ पर समझने के लिए चीज़ों को लगभग 10 दिन लगेगा। और ये देखो क्या व्यू है, वहाँ पर सामने ही इंडियन फ्लैग बना हुआ बिल्कुल पहाड़ी। सो यहाँ पर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर भी मिल जाएगा, और बहुत अलग सी जगह है यार ये, बहुत यूनिक सी जगह है ये कुछ। और यहाँ से देखो थोड़ा हरा भरा, और वहाँ से देखो पूरा खाली है, और यहाँ से देखो सारा नज़ारा इस जगह का। बस बीच बीच में थोड़ी सी दिखेंगी झाड़ियाँ, इसको मैं पेड़ नहीं बोल सकता, बस मेरे को लगता है इन्हीं की वजह से थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी ले सकते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है सांस लेने का, थोड़ा सा ऐसे नहीं प्रॉब्लम आएगा बट थोड़ा बहुत ना, जब चलोगे ना थोड़ा ज़्यादा तब सांस में थोड़ा आएगा वो प्रॉब्लम। एंड रात को जब सोओगे तो थोड़ा वेंटिलेशन के लिए खिड़की वगैरह खोल कर ही सोना है यार, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होता है, काफ़ी लोगों को हुआ है यहाँ प्रॉब्लम, हमें नहीं हुआ इस चीज़ का प्रॉब्लम बस। लेकिन जब चल रहे थे उस टाइम पे थोड़ा सांस का प्रॉब्लम होता है यहाँ, बाकी आप लोगों तक है। मजा आ रहा है यहाँ से राइड करने में। यो पेड़ वगैरह दिख रहे हैं हमें, और यहाँ पर थोड़ा अच्छा सा फील भी हो रहा है, हवा काफी फ्रेश है यहाँ पर। लेकिन पीछे वाली साइड में थोड़ा दम जैसा घुटता रहता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होता है उस टाइम पे जहाँ पेड़ वगैरह ना हो। और मैं आगे जाकर दिखाता हूँ यहाँ के थोड़े पहाड़ किस टाइप के हैं, बिकॉज ऊपर वाली साइड से देख रहे होंगे पत्थर ही पत्थर बहुत बड़े बड़े पत्थर टाइप है, बट जो नीचे वाली साइड से है ना ये
तो वहाँ से ये कुछ रेता और बजरी टाइप का जगह है, नीचे नीचे वाली साइड से, ऊपर से बहुत पत्थर ही पत्थर है, बट ऐसे पहाड़ बहुत कम दिखने को मिलते हैं। शुक्र है यार ये पेड़ है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता मेरे को लगता सांस लेना। और थोड़ा ना हर एक चीज़ मेडिसिन वगैरह प्रिकॉशन साथ लेकर आना यहाँ पर, और मैक्सिमम ये रास्ते में दिखते रहेगा आपको ऐसी ऐसी चीज़ें। और ये पत्थर के नहीं है, ये रेत और बजरी के टाइप के हैं। और काजा का बोलूँ तो मुझे लगा था कि यहाँ पर क्या है घूमने के लिए, जब मैं व्लॉग्स वगैरह देखता था मुझे पता नहीं था यहाँ पर घूमने के लिए है क्या, पर घूमने के लिए ये है कि विलेजेस हैं बस। और उसके अगर मेन चीज़ देखा जाए तो की मॉनेस्ट्री है एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर। बस यही है, नए नए गांव, नए नए गांव, बस यही है सब। घूमने के लिए क्या ही बोलूँ, बस हाँ देख सकते हो आप लोग। और मैं अभी उतरा हूँ यहाँ से, मैं स्पेशली इसलिए उतरा हूँ मैं ताकि ये चीज़ दिखा सकूँ, क्योंकि ये पहाड़ टाइप है, ऊपर से पत्थर है एंड नीचे वाली साइड से ये देख लो रेत बजरी, रेत बजरी ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर नीचे वाली साइड से, हार्ड नहीं है तो ये देखो, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर भाई। बाकी ये खूबसूरती है यहाँ की देख सकते हो। तो निकलते हैं अभी आगे यहाँ, तो अभी इस जगह हम कुछ ये देखो घर देख रहे हो किस टाइप का ये, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें अंदर से ये घर। और यहाँ पर थोड़ा सा ही चढ़ते ही सांस चढ़ जाएगी, लेकिन अभी नहीं चढ़ रही है फिलहाल। और ये देखो कितने पुराने पुराने, ये तो ख़त्म हो चुका है, यहाँ कोई रहता नहीं है। देख लो दरवाज़ा किस टाइप का है, ये कितना पुराना है। और अंदर जगह बहुत अंधेरा है, अंदर कुछ दिखेगा नहीं। सो ये रही जगह, कुछ ऐसे टाइप के घर हुआ करते हैं यहाँ पर अभी भी। और ये तो टूट चुके हैं और सांस चढ़ रही है, देख रहे हो, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में ही सांस चढ़ गई। निकलते हैं अब यहाँ से, हर चीज़ दिखानी पड़ेगी क्योंकि ये घर थोड़े यूनिक टाइप हैं, बहुत पुराने पुराने, बहुत रेयर तरीके से मिलते हैं ये। एंड पिन वैली का रास्ता यहाँ से जाता है राइट एंड टाबो आगे। सो हमें आगे जाना है सीधे पिन वैली, वापसी पे आते हुए जाएंगे। चौंतीस किलोमीटर है तो अभी हम पिन वैली जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि रास्ते रास्ते से ही हमने यहाँ जाना है वैसे भी बाद में, तो सोचा अभी चले जाते हैं, रास्ते में ही पड़ रहे हैं। एंड ये रहा वेलकम टू पिन वैली। सो यहाँ से स्टार्ट होता है पिन वैली का रास्ता अपना। और बाकी अब क्या ही बोलूँ, व्यू 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 व्यू, कितना ही ब्यूटी बोलूँ, ब्यूटी तो है बट व्यू लगभग सेम सेम है, क्योंकि खुले पहाड़, खुला आसमान, हर एक चीज़ सेम है भाई, देख सकते हो। अभी पीछे से भी वही सब चीज़ें दिखाते दिखाते आए हो। सो अब मेन मेन जगहें दिखाएंगे आपको आज जो है। अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, हमने सुना था पिन वैली, पिन वैली अभी जा रहे हैं, लेट्स सी क्या है वहाँ पर। बिकॉज अभी तक मेरे को समझ नहीं आया, यहाँ पर लोग आते तो हैं बट एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, है क्या देखने वाला, ये भी तो पता चले, क्योंकि इतना दूर आ रहा है बंदा तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इधर है क्या, ऐसा कुछ खास होना चाहिए तो इतना बंदा ट्रैवल भी करे यार, वरना ऐसे ही खाली कोई फन नहीं है ट्रैवल करने का। एंड ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका है, ऑफ रोड क्या, थोड़ा कच्चा रास्ता है, इसको ऑफ रोड नहीं बोलूँगा। पूछते ज़रा है क्या देखने के लिए, क्या है बाकी कुछ देखने लायक है यहाँ। बस ठीक 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 अभी का जो सबसे बेहतरीन व्यू मेरे को इस रास्ते पे लगा वो ये है, ये सारा व्यू बहुत बढ़िया, और पूरे पिन वैली के लिए ये सबसे मेरे को बढ़िया अभी तक का व्यू लगा। आपका नहीं पता कि आपका कौन सा फेवरेट है। और मुझे लगता है हम लोग पहुंच गए शायद से, यस, यहाँ घर वगैरह, थोड़ा सा ग्रीनरी है यार यहाँ, ये रही जगह यहाँ की लोकल्स के घर। सी एक वो टिपिकल गांव वाली खुशबू है यहाँ भाई। और यहाँ पर मुझे ना एक चीज़ बताऊँ, मुझे ये स्पीति, लाहौल स्पीति ना
कुछ समझ नहीं आया भाई, ये इस वाली साइड पेड़ ही पेड़ है, उस वाली साइड पूरा बंजर ही बंजर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर पेड़ यहाँ लगते हैं तो लगाते क्यों नहीं है लोग। लुक यहाँ देखो कैसा जंगल टाइप बना हुआ है ये। सो अभी हम लोग पिन वैली में, पिन वैली ही पूरा है, हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर यहाँ अगर आ रहे हो पिन वैली के लिए, अगर तुम्हारा प्लान बन रहा है इग्नोर करो, कैंसिल करो, कहीं और जाओ घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें खाली पहाड़, रोड़े और नदी दिखेगी, उसके अलावा कुछ नहीं। और हाँ, अगर तुम्हें थोड़ी हल्की फुल्की 0.1% अगर ग्रीनरी देखनी है ना, यहाँ आ सकते हो। ये हल्की फुल्की ग्रीनरी दिखेगी, ये थोड़े बहुत ये पेड़ दिखेंगे, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा भाई, सच बोल रहा हूँ। और अगर मेरी बातों में भरोसा नहीं है, खुद आकर यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करो, पेट्रोल वेस्ट करो। अगर मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोगों को देखने लायक कुछ नहीं मिला यहाँ पर, तो हम लोग वापिस जा रहे हैं यहाँ पर। एक तो 15 से 20 किलोमीटर हम लोग यहाँ आए हैं, तेल, पैसा एंड टाइम, तीन चीज़ें वेस्ट है। अगर आप 13-15 किलोमीटर है तो लगभग 13 से 15 किलोमीटर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ यहाँ नहीं आना, यहाँ कुछ नहीं है देखने लायक, और अगर तब भी आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। सो अब निकलते हैं यहाँ से वापस, हम मिलते हैं आप लोगों से आगे।